उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली और झारखंड में कई अभ्यर्थियों की मौत, और इस मौत के बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए कि आखिर मौत किस तरीके की से हुए। बताया जा रहा है कि किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो किसी का ऑर्गन फेल्योर की बात कही जा रही है। तो बड़ा खुलासा बताया जा रहा है कि कुछ की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई है, कुछ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल इस मामले की और अधिक गहराई से जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में हार्ट अटैक आया, ऑर्गन फेल हुए। शहर में उत्पाद आरक्षी की दौड़ क्या मौत की दौड़ साबित हो रही है, ये सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं, यहीं पर दौड़ हुई है और लगातार अभी फिलहाल 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह दौड़ बंद कर दी गई है। लेकिन बता दें कि अभी तक इस दौड़ में दौड़ने के दौरान जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है उनमें से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है, कुछ की मौत जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दौड़ के दौरान डॉक्टर भी कहते हैं कि जो पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो हार्ट अटैक होने के दौरान या जब उस समय प्रक्रिया होती है तबीयत खराब होने की तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में समझ जाइए कि जो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो दौड़ आपको 60 मिनट राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्पाद आरक्षी की दौड़ क्या मौत की दौड़ साबित हो रही है, ये सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं, यहीं पर दौड़ हुई है और लगातार अभी फिलहाल 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह दौड़ बंद कर दी गई है। लेकिन बता दें कि अभी तक इस दौड़ में दौड़ने के दौरान जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है उनमें से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है, कुछ की मौत जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दौड़ के दौरान डॉक्टर भी कहते हैं कि जो पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो हार्ट अटैक होने के दौरान या जब उस समय प्रक्रिया होती है तबीयत खराब होने की तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में समझ जाइए कि जो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो दौड़ आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगानी है, और ऐसे में आप समझ जाइए कि जो दौड़ को पूरा करने के लिए जो अभ्यर्थी लगातार अपनी मेहनत करते हैं वो मेडिकली कितने फिट हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, खुद को परखने के बाद जब वो ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं तो वैसी हालत में उनका शरीर इस दौड़ के लिए कितना फिट है वो उस समय खुद को जज कर पाना मुश्किल होता है, और इसी वजह से दौड़ के दौरान उनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वास्तव में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत दौड़ने के दौरान, चूँकि गर्मी है, तीखी धूप है, और वैसी स्थिति में जो परेशानी सामने आ रही है जब वो तबीयत खराब होती है तो वैसे में सीधे अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ जाकर के कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। लेकिन हम देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी बाकायदा लगाया गया है कि जब भी ऐसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो नर्सेज हैं क्या यहाँ पर जैसे जो अभ्यर्थियों की दौड़ होती है तो एम्बुलेंस यहाँ पर रहती है? जी सर, एम्बुलेंस यहाँ रहती है। तो क्या जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? हम लोग यहाँ पेशेंट का जो ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है तो हम लोग उसको सदर अस्पताल लेके जाते हैं और वहाँ उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। तो अभी तक आप कितने पेशेंट को लेकर वहाँ तक गए हैं? लगभग हम लोग यहाँ तक पेशेंट ले गए होंगे 30 से ऊपर लेके गए हैं सर। कुछ पेशेंट को आपने भी देखा होगा कि उनकी स्थिति उस समय किस तरह की होगी? स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है सर, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है दौड़ के समय में और उनका शरीर पूरा कमजोर हो जाता है सर। फिर हो चुकी है कुल मिलाकर दौड़ की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दौड़ की प्रक्रिया 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है, और वैसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब 3 दिनों के बाद दौड़ की प्रक्रिया जब पुनः शुरू होगी तो वैसे में क्या नियमावली में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो वर्तमान नियमावली है उस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, News18 रांची। झारखंड में 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद से अब
झारखंड सरकार ने भी सुध लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 3 दिन के लिए दौड़ को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ जब अभ्यर्थी दौड़ के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर फिलहाल 3 दिन के लिए इस दौड़ को स्थगित किया गया है। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि जब फिर से दौड़ शुरू होगी तो सुबह 9 बजे के बाद कोई दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते का भी इंतजाम होगा। बता दें कि दौड़ते वक्त सैकड़ों अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक खराब हुई, कई बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 22 अगस्त से अलग अलग तारीख में राज्य के 7 केंद्रों पर दौड़ की शुरुआत हुई थी।